वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल indiabird.com। जैसा कि आपको पता है कि IBACU ग्रेड 2 का एग्ज़ाम 15 अक्टूबर को होने वाला है और बस 2 या 3 दिन बच गए हैं, तो मैं आपको एग्ज़ाम में कुछ सावधानियां बरतने के लिए आपको बता रहा हूं, तो वो आप अच्छे से देखें और उसको फॉलो करें तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। सब्सक्राइब करें indiabird.com यूट्यूब चैनल को और उसके बाद बेल आइकॉन को प्रेस करें और देखें हमारे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस बिल्कुल फ्री। आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक हमारे स्टडी ग्रुप फेसबुक ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लें, वहाँ पर अपने डाउट पूछ सकते हैं, कुछ क्वेरी है तो पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और एक वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए आइए देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 100 मार्क्स का क्वेश्चन है, 100 मार्क का पेपर है, देख सकते हैं टोटल क्वेश्चन आपके 100 होंगे और जो 100 नंबर के होंगे, ठीक है, और जो इसकी ड्यूरेशन दी गई है, टाइमिंग जो होगी वो 60 मिनट की होगी। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट हैं, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिक एनालिटिकल एबिलिटी और इंग्लिश लैंग्वेज। तो ऐसे पहले क्या था कि जनरल अवेयरनेस पहले बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता था तो इसकी वेटेज बहुत ज़्यादा होती थी और ये सब की वेटेज थोड़ी कम होती थी। तो इस बार इन्होंने क्या किया है कि 4 कैटेगरी में इक्वल भागों में डिवाइड कर दिया है, 25 25 25 का। और 25 मार्क्स के मतलब कि एक क्वेश्चन एक नंबर का होगा आपको, और अगर निगेटिव मार्किंग है, अगर आप गलत करेंगे तो 0.25 आपके मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो इसलिए आपको निगेटिव नहीं करना है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छे से अटेम्प्ट करें, जो आपको आता है वो पहले करें और देख लें आपको जो ईजी पार्ट है वो पहले स्टार्ट करें। 25 नंबर के हैं क्वेश्चन एक पार्ट, तो अगर आपका जनरल अवेयरनेस है तो जनरल अवेयरनेस में आप क्या कर सकते हैं कि 10 मिनट में इसको ख़त्म कर सकते हैं, 10 से 15 मिनट तो इक्वल देना पड़ेगा आपको, 15 मिनट इसके लिए तब जाके आपको 1 घंटे होंगे। तो आपको क्या करना है कि आपको इसमें टाइम बचा लेनी है और हो सके तो इंग्लिश लैंग्वेज में टाइम बचा लेनी है, तो आपको इसका फ़ायदा लॉजिकल में और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मिलेगा। तो मेरा मानना है तो आप सबसे पहले कोशिश करें जनरल अवेयरनेस करने का, जनरल अवेयरनेस करें, उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज करें और उसके बाद लॉजिकल करें और लास्ट में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड करें। नहीं तो आपको क्वांटिटेटिव जो आपको आता है वही पहले करें, जो लगता है आप जल्दी सॉल्व कर देंगे तो वही करें। जल्दी मैं आपको टिप्स कुछ बता रहा हूँ क्या क्या आपको करने हैं। तो स्टार्ट एग्जाम फॉर योर स्ट्रांग सेक्शन, जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका मजबूत पार्ट है सबसे पहले उसी से स्टार्ट करें और देखें कि हम क्या क्या बना सकते हैं। और जो क्वेश्चन सिलेक्ट इजी वन, ठीक है, सेकेंड में क्या बोला हूँ मैं कि सिलेक्ट इजी वन, हमेशा क्वेश्चन को निगलेक्ट करना सीखें और जो टफ़ है उसको छोड़ दें और इजी वन को बनाएं। क्या होता है कोई टफ़ क्वेश्चन, जैसे कि एप्टीट्यूड में हम लोग बहुत टाइम लगा देते हैं लेकिन वो टफ़ हो जाती है और वो हम नहीं अटेम्प्ट कर पाते हैं, नहीं बना पाते हैं और उसमें टाइम भी चला जाता है, टाइम भी कंज्यूम हो जाता है। इसलिए आप ऐसा करना है कि आप उसको निगलेक्ट करें और उसके बदले दूसरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, शायद वो आपसे हो जाए। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि ये जो पेपर है ये क्वालिफाइंग नहीं है, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम है कि सर क्वालिफाइंग है कि ये क्या है, तो इसके मार्क्स आपको जूटेंगे, आप याद रखना कि ये प्री है लेकिन क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइंग भी नहीं है, ठीक है, इसके मार्क्स आपको जूटेंगे, ठीक है, जोड़े जाएंगे और एससी वाले जो होंगे सेकंड ईयर उसके साथ जोड़ के आपके मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो इसमें आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे, ये नहीं कि केवल कट ऑफ पार करने का सोचें, कट ऑफ पार करने का हमको नहीं सोचना है, ठीक है, कट ऑफ से ज़्यादा लाने हैं कम से कम आपको। इसमें आपको कम से कम अगर 80 आता है तो आप अच्छे मार्क्स, आपको चांसेस हैं कि आप सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ठीक है। आइए देखते हैं थर्ड, डोंट वेस्ट टाइम ऑन एनी सिंगल क्वेश्चन। जैसा कि मैंने बताया कि सिंगल क्वेश्चन पे आप टाइम वेस्ट ना करें, केवल आप वही क्वेश्चन पे अटेम्प्ट करें जो आपको आता है और एक क्वेश्चन पे बहुत देर तक नहीं करें, उसको छोड़ दें और आगे के क्वेश्चन करें। इफ़ यू हैव अ टाइम देन सॉल्व योर प्रोबेबल क्वेश्चंस, ठीक है। और फोर्थ में क्या है, आपके पास अगर टाइम है तब जाके आप दूसरे क्वेश्चन को जो आपको लगता है कि हो सकता है, निगेटिव नहीं करना, निगेटिव से बचना है, टुकते नहीं लगाने हैं, तो आप उसको करें और जो आपको सही सही आता हो उसी को अटेम्प्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। मैं इसी बात पे अपना वीडियो ख़त्म करना चाहता हूँ कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी, ठीक है, द हार्डर द कॉन्फ्लिक्ट द मोर ग्लोरीज द ट्रम, ठीक है, ये थॉमस पेन ने कहा था। तो इस बात को आप ध्यान रखें और आगे की स्टडी करते रहें, बस अब स्टडी नहीं करना आपको, केवल रिवीजन करना है, जो पढ़े हैं छोड़ दें, अब जितना पढ़े हैं केवल रिवीजन कर लें, बस वही जाकर आप एग्ज़ाम में दे दें। तो थैंक्स फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो
तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और फॉलो करें हमारे चैनल को फेसबुक पे, ट्विटर पे, गूगल प्लस पे और इंस्टाग्राम पे। थैंक्स फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।